2023 के आगाज में मैंने सोचा कि हम कुछ बड़ा करते हैं, एंड व्हेन आई से बिग आई मीन रियली रियली बिग। सोच तो लिया कि कुछ बड़ा करते हैं, लेकिन कोई आइडियाज दिमाग में नहीं थे हमारे पास, सो आई डिसाइडेड टू सेटल डाउन एंड ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडिया, एंड आई केम अप विद एन अमेजिंग आइडिया, दैट इज कि लेट्स मेक पाकिस्तान का बिगेस्ट पिज्जा एंड डिलीवर इट टू पाकिस्तान के बिगेस्ट यूट्यूबर। So in order to make the biggest pizza of Pakistan, I decided to email all the pizza chains in Karachi. But unfortunately, we got no response. कुछ दिन का इंतजार करने के बाद finally एक रेस्टोरेंट की ईमेल आ गई। जिस ब्रांड ने हमें रिप्लाई किया उस ब्रांड का नाम है द बिग पिज्जा। अभी मुझे जाना है, उनके ओनर से बात करनी है, उनको पूरा आइडिया समझाना है। So wish me luck. अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर ओवन का साइज मेजर करने कि हाउ बिग द ओवन इज। हमने कुछ मेजरमेंट्स ली और रेस्टोरेंट के शेफ और ओनर के साथ डिस्कस किया कि हम किस तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ओवन का साइज़ जो है वो 41 इंचेस है। इसमें सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो द मोस्ट वी कैन डू इज 42 इंचेस, ताकि हाफ ऑफ इंच का हम गैप रह सकते हैं। इससे बड़ा ओवन है कहीं पर? पॉसिबली कराची का बिगेस्ट ओवन है, मे बी ये पाकिस्तान का बिगेस्ट ओवन है। Owner loved the idea. He's going to help us in making Pakistan's biggest pizza. इन सारी चीज़ों को execute करने के लिए next Monday का date assigned. I cannot wait for next Monday. क्योंकि हम एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा रखने के लिए हमें एक बॉक्स की भी ज़रूरत थी जो कि बड़ा भी हो और साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हो। इसके लिए हमने अपने करीबी कारपेंटर अंकल की मदद और उनको सारी मेजरमेंट्स प्रोवाइड की। बॉक्स हमारा अब रेडी हो चुका है, तो हमारा आधा काम कंप्लीट है, अब सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना है। सो गाइस, टुडे इज़ द बिग डे और आज हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान का बिगेस्ट पिज़्ज़ा बनाने। होपफुली सब कुछ अच्छे से होगा एंड विल बी एबल टू सक्सीड। लेट्स गो। कस्टम मेड बॉक्स बनाया है और हम लोग रास्ते में रुके हैं वो बॉक्स उठाने के लिए, एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स। चोर आ गए गाड़ी लेने। या वी आर हेयर टू पिक इट अप, लेट्स टेक इट। रिक्शे की बुकिंग कर रहे हैं ताकि बॉक्स उठा के उसमें रख दें। चलो, फजूल वाले व्लॉग की तरह हम बोलते हैं कि आपको पता है हमने रख दिया रिक्शा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे हमने रिक्शे पे रख दिया। रिक्शा जा रहे हैं लोकेशन पे, चार मीनार चुरंगी जाने, वहाँ पे आप जाके रुक जाइएगा, मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। वहीं पे शॉप है मेन रोड पे, साथ बना जाएगा ना। हाँ ठीक। रिक्शे वाले ने हमारा सामान वक्त पर मंजिल पर पहुँचा दिया, लेकिन हम लोग फंस गए कराची के मशहूर मरूफ ट्रैफिक के अंदर। मैं यहाँ पे पहुँचा था 12 बजे, हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं 1:30, 1.5 आवर लेट। बहुत भारी है, लकड़ी का ये। वही तो बोल रहा था आपके, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ये इतना टेढ़ा करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने मंडे का दिन सेलेक्ट किया, ये वो दिन है जिसमें यूजुअली कम रश होता है, लेकिन जैसे ही हमने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया वैसे ही रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आने लग गए। फॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए और ऑर्डर्स भी आने लग गए। यहाँ पर तकरीबन 20+ कस्टमर्स बैठे हुए जो अपने पिज़्ज़ा का इंतजार कर रहे हैं। वन मोर थिंग, द बिग पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज नाउ लाइव ऑन फूड स्ट्रीट ऐप। तो फूड स्ट्रीट की ऐप खोलें और पाकिस्तान का बिगेस्ट पिज़्ज़ा कहीं पर भी ऑर्डर करें। बाय द वे, फूड स्ट्रीट ऐप इज द ओनली ऐप वेयर यू कैन ऑर्डर 30 इंच का पिज़्ज़ा। गुड लक। एवरीथिंग वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और हमें लग रहा था कि हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार होने वाला है, लेकिन उसी वक्त हमारे सामने एक परेशानी आ गई। पिज़्ज़ा की डो के ऊपर टॉपिंग डालने के बाद डो का वेट इतना ज़्यादा हो गया कि जब हम डो को लिफ्ट कर रहे थे तो डो हमारी टूट रही थी, एंड वी वर लाइक व्हाट टू डू नाउ। कभी कभी होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो मतलब मज़ा नहीं आता, लेकिन हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते। आफ्टर ऑल ऑफ दिस एंड रियलाइजिंग आवर बिग मिस्टेक, वी हैड टू डू एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। भाई, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। सुबह से कुछ चीज़ नहीं खाई, नाश्ता भी नहीं किया, तो having just brunch. Kapal, danedar. After 5 hours and 2 attempts,
फाइनली पाकिस्तान का बिगेस्ट पिज्जा तैयार है। लेकिन आपको पता है बुराई बताकर नहीं आती। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद, इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद एक और मुश्किल हमारे सामने आके खड़ी हो गई, वो ये कि पिज्जा कहाँ डिलीवर करना है हमें ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं दे डिड नॉट पिक अप कॉल। ओके, हम हैं कौन क्लिक अवे करने की कोई बात, बिकॉज वी केम अप विद अ बेटर आइडिया। सो सेट टाइट, यहां से लेफ्ट, इधर Clapping! देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। Loves pizzas. He wants to come and thank you specially. That's so sweet. He loves pizzas. Lucky ones who can move about, but are special. उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। बिल्कुल लेके आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। या अनीस भाई, अगली बार 60 इंचेस बनाना है।